नमस्कार साथियों, स्वयं संवाद में आप सभी का स्वागत। और आज एक संयोग है कि हमारे इंदौर जिले के जो लोकप्रिय डीडीए साहब है राजपूत जी, उनके साथ में हम इस ग्राम बरोदा दौलत में आया और किसान के खेत पे खड़े। ये ऐसा एक कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश के 18 जिले में हमने कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। और वहाँ पे दो प्रकार की वैरायटी हम प्रमोट कर रहे हैं, एक तो कम समय में पकने वाली वैरायटी और एक मध्यम समय में पकने वाली। तो इस गांव में हमने जो कृषि विभाग के माध्यम से ये जो प्रदर्शन प्लॉट लगाए एक एक एकड़ क्षेत्र में, और ये वैरायटी आप जो देख रहे हैं एनआरसी 142 जो कि 96 से लेकर 100 दिन में पक जाती है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा 2 वर्ष पहले ये रिलीज की गई है और अच्छी एक वैरायटी है। और ये किसान जो हमारे साथ में उपलब्ध है यहाँ पे उपस्थित है, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वैरायटी के बारे में या प्रदर्शन के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। बहुत बढ़िया इस साल फसल, बीज भी बहुत बढ़िया है जी, हाइट भी अच्छी ली इसने। ये कब की बोनी है? ये 24 जून की बोनी, लगभग 45 दिन के आसपास ये हो गई है। तो ये फसल की अभी तक की स्थिति कैसे रही? आपने बीज उपचार किया था? हाँ, करा था। और उसके बाद में चारा का निंदा नियंत्रण कैसे किया था? ये करा था, डोरा लगाया था, और 72 घंटे के अंदर दवाई नहीं लगाई थी, वो लगाई थी, वो लगाई थी, डोरा कर दिया। थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी तक फसल की स्थिति देखते हुए आपका क्या कहना? कोई इल्ली का प्रकोप? वो तो कोई कोई बार बार पड़ती, छिड़काव कर देते हैं। अच्छा, हमारे डीडीए साहब हमारे साथ उपस्थित है, राजपूत साहब। सर, आपने इस प्रदर्शन प्लॉट के देखा, आप बताइए कि आपको प्रदर्शन की स्थिति कैसी लगी? हमारे किसान बता रहे हैं, किसान भाई बता रहे हैं, पिछले साल जो सोयाबीन थी उसे काफी बेहतर सोयाबीन है, और चूंकि फ्लावरिंग स्टेज में है, नई वैरायटी है, किसान भाई हमारे लोग पहली बार देख रहे हैं इस तरह की वैरायटी, तो ग्रोथ चूंकि बहुत अच्छी हो गई है आज की स्थिति में। और बगल में इसका कंट्रोल प्लॉट भी है, उसकी ग्रोथ काफी कम है, ब्रांचिंग भी कम है, और निश्चित ही जैसा कि किसान भाइयों का अनुभव के आधार पर बता भी रहे हैं कि दूसरे किसान भी यहाँ देख रहे हैं, और उन्होंने जो कैफेटेरिया जो दिया है हम लोगों ने, और हमारे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र से जो दोपहरे जी हैं हमारे साइंटिस्ट, उनके माध्यम से जो मिला है उसके अनुसार ही किसान भाई हमारे इसमें उपयोग भी कर रहे हैं इनपुट, और निश्चित ही उत्पादन और उत्पादकता इसकी बाकी वेराइटियों से अच्छी आएगी। किसान भाई ये भी बोल रहे हैं कि नया बीज है और नई वेरायटी है, क्योंकि आगे इसका काफी प्रचार प्रसार दूसरे किसानों के बीच में भी इसका प्रचार करेंगे बीज का, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में इस बीज को किसान लेकर के ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। किसान से, हमारे किसान से एक और प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पे ये जो खेत दिख रहा है ये भी 142 का है, और यहाँ पे जो उत्पादन तकनीकी का पूरा आपने उपयोग किया है, पड़ोस में भी एक किसान का खेत है, वहाँ पे थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, तो ये क्या, आपका फर्क क्या है इसमें? ये गहरी जुताई, ये प्लो करा हुआ था, और आपके ये प्रदर्शन प्लॉट देखने आपके गाँव के और भी लोग आते होंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? बढ़िया रही ना प्लो से, क्या कहते वो? और बारिश मध्यम गिरी। अच्छा, उस हिसाब से बहुत बढ़िया रहा। और प्रदर्शन प्लॉट की स्थिति देखते हुए बाकी लोगों की क्या राय है, वो क्या कहते हैं? बाकी वो बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, तू हो रहा है, हमको भी देना अगले साल। अच्छा, बीज के लिए। तो ये एक अच्छा प्रदर्शन प्लॉट, उनका कहना है कि बहुत बढ़िया सोयाबीन है, नहीं है ना? तो ठीक है, आपको निश्चित ही अपने परिवार में और बाकी आसपास गांव के लोगों को बीच में बांट लेना, मंडी में ये बीज नहीं जाना चाहिए, है ना? और बहुत एक अच्छा प्रयास है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का, की चूंकि ये क्रॉपिंग बेस्ड टाइप का एक्सपेरिमेंट है जिसमें अभी सोयाबीन ले रहे हैं, और निश्चित ही अगर रबी सीजन में इसी में गेहूं लेना है, ठीक है, तो अपन को ये देखना है कि ये वैरायटी लेने के बाद गेहूं भी लेट नहीं होगा, अर्ली आ जाएगी ये, और गेहूं लेट नहीं हो सकता इसमें, तो दोनों की उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके कुछ ट्रायल भी बीच में हुए हैं, तो दोनों की उत्पादकता बहुत अच्छी आती है, किसानों की इसमें निश्चित ही आय बढ़ेगी। तो मैं अभी हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत अच्छा आपका उत्पादन मिले, और हमारे जो डीडीए साहब है और पूरी उनकी टीम है वो यहाँ पे उपस्थित है, और जो आरईओ साहब है ये जो लगातार किसानों के संपर्क में रहते हैं और प्रदर्शन प्लॉट को मेंटेन करते हैं, आप सभी को बधाई और धन्यवाद।